अपने लोग इस काले कानून नूं वापस करन वास्ते इस सर्दी ते ठंड दी मौसम चे वड्डे बुजुर्ग बच्चे नाल दिल्ली विच बैठे हुए ने। पता नहीं किन्ने कठोर दिल दी सरकार हैगी कि ना ही उन्हां बुजुर्गां वाल बच्चों वाल देख के तरस आ रहा है ते ना ही जिहड़े 18-20 साडे अपने शहीद हो गए ने ते की मंग रहे ने कि ये काले कानून वापस लै लो। कोई थोड़ी जद्दी जायदाद नहीं मंग रहे, थोड़े तो कोई नकद नहीं मंग रहे। बिना इन्हों तो पुछे हुए कानून मंग के इन्हों के उत्ते जिहड़े थोपे गए ने वो वापस करन नूं मंग रहे ने। मतलब मैं हैरान हाँ कि मैं पहली बार देखा है कि बच्चे के नाल मापे जिद झाड़ जाते हैं, मापे तो बच्चों समझाते हैं तो बच्चों की जिद तो पूरा करते हैं। एक केंद्र की सरकार उल्टा ही, लेकिन जिहड़ा मसला इस तो भी गंभीर है। एक चीज़ तुसीं काले कानून नहीं वापस लै रहे, दूजी पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब करन वास्ते जिथे पहले भी तुसीं कोई कसर नहीं छड़ी रेल ट्रेन रोक के, उत्थे हुण इस भाईचारिक सांझ विच जिहड़ी फुट पाउण की कोशिश कर रहे ने साडे सिखां नूं पंजाबियां नूं बदनाम करके, कदे वक्खवादी कदे आतंकवादी कदे खालिस्तानी हर तरह के ना बोल के साडे देश ते दुनिया विच साडे लोकां नूं बदनाम एक पासे कर रहे ने। ते इत्थे जी भाईचारिक सांझ जे अमन शांति भाईचारिक सांझ दे नाल जिहड़ा पंजाब ने तरक्की कीती है काले दौर तों निकलिया, जिहड़ी लीहां च इंदिरा गांधी ने जो कुछ कीता सी उसी लीहां च अज भाजपा चल रही है। इस तों पहले तो तुसीं इन्हां दे नाल इन्ने दिन गल करदे रहे, जे इन्हां दे हत्थ आगू वक्खवादी सिगे खालिस्तान, फिर तुसीं 8-9 मीटिंगां क्यों कीतियां? जब गल्लां टुट गईयां ते फिर तुसीं चक के कह दिओ कि ये वक्खवादी ने आतंकवादी ते तरह तरह के इन्हां नूं इन्हां दे उत्ते इल्जाम लाए जा रहे हो। ये पंजाब च जिहड़ा रूरल ते अर्बन दे विच तुसीं फुट पाउण दी कोशिश कर रहे हो, हिंदू सिख भाईचारे विच फुट पाउण दी कोशिश कर रहे हो, अमीर ते गरीब विच, ये ना देश के भले वास्ते है ना ही पंजाब के भले वास्ते है। मैं बेनती करांगी कृपा करके देश भर जे तुसीं हिंदू मुसलमान की फुट पाती हुण आही काम तुसीं सिखां दे नाल ला करो, परमात्मा भी तुहानूं नहीं बख्शेगा। की लगदा कि ना कि पहले तो मेरी कल्ली आवाज़ सी कैबिनेट विच, जिथे इत्थे लखां आवाज़ नहीं सुनिया जा रही मेरी, तो आवाज़ में कड़े गलत फहमी से सी कि मेरी आवाज़ सुनी जाऊगी, लेकिन जिथे देश भर च अंदोलन खड़ा हो गया, देश के किसान ते देश के लोग कह रहे अन्नदाता नूं उन्हां हक दो, की मांग रहे ने? MSP लाजमी बनाओ ते काले कानून वापस करके कोई चंगा कानून लैके आओ। कोई आसमान नहीं मांग रहे तुहाडे तो, ताजमहल नहीं मांग रहे, लेकिन वो की दबाव होना है, किदे हाथ च बिक गई है सरकार, की कारण है कि अपने दे नाल इहो जिहा सलूक कर रही है ते इन्नी इस तरह अड़ी हुई है? कुछ ना कुछ तो इहदे पिछे कोई राज हैगा, मेरे ख्याल कैप्टन साहब इस राज नूं जानदे होणगे। असीं इतिहास च मैं पुराने हिस्ट्री च तां नहीं जावांगी, अपने जीवन के दौरान विच एक वो इंदिरा गांधी का दौर देखिया, तो इंदिरा गांधी ने जिस तरह सिखां नूं आतंकवादी कह के बदनाम किया, तख्तों च हमले किए, अज मैं देख रही हाँ कि आ सरकार भी वक्खवादी आतंकवादी वो ना तो सानू बोलन लग गए, तो नाले हरियाणे के उच्चे जिमें पत्थरा पुथरा पा के जिमें डांगा चला के वॉटर कैनन चला के अथरू गैस चला के उन्होंने दरबार साहब से हमले किए, लोगों के दरबार जिन्हों के दरबार साहब उन्होंने लोगों के उत्ते हमले कर रहे हैं। सो मैनू कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा, मैं उम्मीद करती हाँ कि इतिहास तो आ सरकार सीखेगी ते की हशे होया कांग्रेस का। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सरकार इन्हां चीज़ों से सचेत रह के अपने लोगों की गल मान के एक प्यो का एक वड्डे का जिहड़ा वतीरा होना चाहिए उस तरह का वतीरा कर मिले हर तरीके दे नाल। ये कानूनों वास्ते पहले उन्होंने हामी भरी साल पहले, उसके बाद 6 महीनों तो लोगों को अपने हाल से छड़ता, तुसी आप लड़ी पीड़ी जाओ। नहीं तो सूबे का चुनिया होया आगू हैगा, उस आगू का फर्ज बनता है कि उत्थे जाके अपने लोगों की लड़ाई लड़े। लोग आप लड़ाई नहीं लड़ते, लोगों की सरकार लड़दियां ने, वो तो छड़ो। जिहड़ा इन्हां ने आप दे मेंबर ऑफ पार्लीमेंट ने कहा कि पीयूष गोयल जिहड़ा बोल के हटिया है महाराणी प्रनीत कौर नूं ते कांग्रेस दे MLA नूं MPs नूं कि जे मैं दसन लग जा कि तुहाडे मुख्यमंत्री ने की कुछ नहीं किया, तुहानूं कितें मूँह रखाउण दी जगह नहीं होगी। सो आपां देखिया है कि फैसला होने तो एक दिन पहले 6 महीने तक कैप्टन साहब दिल्ली गए नहीं, लेकिन गृह मंत्री ने जो डरावा दिता भजे गए, बंद कमरे के पिछे कल्ली मीटिंग हुई, बाहर आके कहिंदे कि किसानां नूं उन्हां दी गल मान जानी चाहिए है, तो चुप करके वापस चले गए। सो बिल्कुल मजबूर ने, अपने केसा करके ने की करके हैगा, बिल्कुल मजबूर लाचार सूबे की सरकार हैगी, तो लोग अपनी लड़ाई केंद्र के खिलाफ इन्नी वड्डी ताकत दे खिलाफ लोग लड़न से मजबूर। खर्च तो पहले ही किया सी लंबा हैगा, क्योंकि 6 महीने पहले मैं सारा कुछ देगा। अज लोग अज कह रहे हैं इन्होंने जिहड़ी किसानों लिखत च भी दिता है
मेरे हिसाब से भी मजाक है जेडे कहें MSP भी लिख के दे दें तो लिख के तो सू 25 जुलाई से सू देता से लेकिन लोगों को थोड़ी गल्ला च विश्वास नहीं है तुम लोगों का विश्वास खो बैठे हो अज लोग कहें आ रहा पार या वापस करो नहीं तो इतने मर के जावे जज्बे मातावां दे बुजुर्गों के जिस तरह के नाल एक कौम की नहीं सूबे की लड़ाई नहीं देश की लड़ाई लड़ रहे हैं अन्नदाता जिहड़ा लोका जे अन्न हैगा तो बंदा जिंदा रहिंदा है अज वो लोग अपने हक की लड़ाई वास्ते मजबूर हो गए तो मैं नमन करती हूँ उन्होंने गुरु साहब के अगे आही साड़ी अरदास है इतने पाठ भी इस करके रखाए ने कि ये गुरु साहब के ओटासले की लड़ है जैसे इन्नी वीडी ताकत के ना टाकरा साडे लोगों ने दिता है लेकिन जा तू मेरे वाले तो क्या मोशंदा साडे लोगों को डरन की कोई नहीं गुरु साहब कृपा करेंगे जरूर अहंकार का हमेशा हार हुई है अहंकार हमेशा टुटिया तो इस सरकार भी लोगों के हुक्म के सामने झुकना पड़ेगा।